इतिहास के गर्भ में न जाने कितने रहस्य आज भी छिपे हैं। आज हम उन्हीं रहस्यों में से एक और रहस्य लेकर आए हैं। आज हम मध्य प्रदेश के सबसे खतरनाक किले के बारे में बताने जा रहे हैं। भोपाल से 45 किलोमीटर दूर रायसेन में स्थित रायसेन का किला। इस किला पे चढ़ने के लिए सीढ़ियां ही मात्र एक जरिया है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आस्था नेचर। तो साथियों, एक बार फिर से मैं आपको लेकर आ गया हूं रायसेन किले के अंदर। आज मैं आपको दिखाऊंगा राजा की बारादरी, रायसेन किला को जीतने के लिए शेरशाह सूरी ने कैसे तोप बनाया, वह इको साउंड सिस्टम, धोबी महल आदि। तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, रायसेन किले के ऊपर चढ़ने से पहले हम जान लेते हैं किले की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में। आखिर रायसेन का किला कैसे बना, आइए जानते हैं। दोस्तों, किले के निर्माण के लिए सुरक्षित स्थान का चयन इस किले की भौगोलिक स्थिति आधार पर किला को बनाया गया है। जिस पहाड़ी पर इस किला को बनाया गया है, इस किले के पश्चिम की ओर बेतवा नदी स्थित है और उत्तर पूर्व में डाबर नदी है और दक्षिण में रिझान नदी स्थित है। दोस्तों, रायसेन किले के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घना जंगल है। इस किले के चारों ओर पहाड़ी जंगल होने के कारण इस किले को और अधिक दुर्गम बनाती है। रायसेन का यह किला 1600 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों, दुश्मनों से सुरक्षा पाने के लिए इस किले को लगभग 5 किलोमीटर लंबी मजबूत दीवार से घेरकर इस किले को बनाया गया है और जिस ओर पहाड़ी का ढलान है वहां पर किले की दीवार डबल बनाई गई है ताकि कोई दुश्मन आ न सके। और किले की सुरक्षा व दुश्मनों पर तोप से वार करने के लिए दीवारों में बहुत सारे बुर्ज भी बनाए गए हैं। किले में टोटल 9 द्वार हैं, लेकिन किले में प्रवेश करने के लिए मुख्य 3 द्वार हैं, चौपड़ द्वार, दिल्ली द्वार और गाड़ी द्वार। दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं बारादरी, रायसेन किला को जीतने के लिए शेरशाह सूरी ने कैसे तोप बनाया वह इको साउंड सिस्टम, धोबी महल की ओर, और आपको एक एक पॉइंट समझाते हैं। दोस्तों, सामने का जो महल आप देख रहे हैं इसे बारादरी बोला जाता है। राजा के जमाने में आखिर इस बारादरी में क्या क्या होता था, हम आपको बताते हैं। बारादरी एक ऐसा भवन होता है जिसके अंदर 12 दरवाजे होते हैं। बारादरी राजा के जमाने का मीटिंग हॉल हुआ करता था, जिसके अंदर रायसेन किले के राजा का मीटिंग सभा लगा करता था। दोस्तों, बारादरी के ठीक सामने ही आपको शेर शाह सूरी का तोप आज भी सुरक्षित रखा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, जब रायसेन किला को शेर शाह ने 4 महीने तक घेराबंदी किया था इस किला को जीतने के लिए, तब उस समय शासन था राजा पूरनमल का और उन्हीं के शासन काल में शेर शाह सूरी ने धोखे से इस किले को जीता था। दोस्तों, यह वही तोपे हैं जिनको शेर शाह सूरी ने तांबे के सिक्के को गलाकर इस तोप का निर्माण किया था, तब उसके बाद इस किला को जीत पाया था। यह तोप ढलवा लोहे से निर्मित की गई है। इस तोप के निर्माण के लिए सबसे पहले एक मिट्टी का साँचा तैयार किया गया था। जिस आकार का तोप बनानी होती थी उसी आकार तथा माप का मोम की परत साँचे पर चढ़ाकर फिर से मिट्टी के लेप से ढक दिया जाता था। जब गर्म पिघलती धातु इस साँचे में एक ओर से डाली जाती थी तब मोम पिघलकर दूसरी ओर छिद्र से बाहर निकल जाती थी और उसके स्थान पर डाली गई धातु तोप के आकार में ढल जाता था। यह मजल लोडिंग तोप है। इस तोप का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले इस तोप के नाल में बारूद भर दिया जाता था। उसके बाद तोप के आगे मुहाने पर तोप का गोला रख दिया जाता था। तब तोप के छिद्र से आग लगा दिया जाता था। तब तोप में भरी बारूद विस्फोट करता था। तब तोप का गोला बहुत तेजी से अपने लक्ष्य पर वार करता था। यह सारे तोप मुगलकालीन बताया जाता है। दोस्तों, अब हम आपको दिखाएंगे इको साउंड सिस्टम महल, इसे इत्रदान भी कहा जाता है। तो अब हम जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, इस कक्ष में श्रृंगार कक्ष की तरह प्रयोग किया जाता था।
इसकी दीवार पर रंग बिरंगी शीशियों को रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। दोस्तों, इस महल को मनोरंजन के लिए बनाया गया था। इस महल के दोनों ओर दरवाजे बनाए गए हैं और इनके बीच में एक एक आले भी बनाए गए हैं। दोस्तों, अगर आप इन दो आले में से एक आले में से धीरे से बोलेंगे तो आपको अगले में बिल्कुल साफ साफ आवाज़ सुनाई देगी। इस इत्र महल का यही सबसे खास बात है। दोस्तों, यह महल मध्यकालीन स्थापत्य कला में ध्वनि विज्ञान के नियमों का सफल प्रयोग उदाहरण है। और दोस्तों, इसके परिसर में एक मस्जिद भी बनाई गई है जिसके अंदर जाना अलाउ नहीं है। सरकार ने इसको बंद करके रखा है। अब हम दिखाएंगे आपको धोबी का महल। धोबी महल बारादरी के बगल में ही स्थित है। इस धोबी महल को रायसेन किले के राजा रायसी ने बनवाया था। इस धोबी महल का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है। रायसेन किला में अगर आप आ रहे हैं तो आपको यह धोबी महल एक बार जरूर देखना चाहिए। यह धोबी महल अब धीरे धीरे ध्वस्त होता जा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।